वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो क्या चीज़ आप में सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, क्या ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी बात है जो इंसान आप में सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। ठीक है, तो ये इंसान, ये पर्सन जो भी फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये इंसान फीमेल है या मेल है, लेकिन इसको ये नया भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, किसी न्यू इंसान के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं कि ये जो न्यू पर्सन है, ये इसको क्या पसंद आया आपसे मिलकर, आपको जानकर, आपको समझकर, या आप लोग की कोई मीटअप हुआ है, आप लोग का फर्स्ट मीटअप हुआ है, आप उसके लिए भी देख सकते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन में इस इंसान को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है आपने। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग बन सकती है, किसी के लिए कोई पार्ट रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन को आपने सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है, इस पूरे कनेक्शन में आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा आपने क्या पसंद कर रहे हैं। लेट्स सी, जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उसको इमेजिन करें। ठीक है, उसका नाम रिकॉल कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ताकि आपके लिए एग्जैक्ट रीडिंग्स आए, वो इंसान आपको लेकर क्या, उस इंसान को आपने क्या लाइक, क्या पसंद है, जो पर्सन आपके माइंड में, उस इंसान को आपने क्या पसंद है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपको, आपने सबसे ज़्यादा क्या लाइक करता है, क्या पसंद करता है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप काफ़ी इस इंसान के लिए लकी रहे। ठीक है, एक लकीस्ट पर्सन रहे, इंसान को ऐसा लगता है ये कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स्टर टाइप है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहना इसको पसंद नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा एक बताना या कहना पसंद नहीं है, आपको काफ़ी स्टेबल देखता है, मनी के हवाले से काफ़ी आपको लकी समझ। आप इसके लिए एक लक फॉर्च्यून लेकर आए इसकी लाइफ में, जब से आप कनेक्ट हुए हैं, या तो इसका काम, कैरियर, बिजनेस, जॉब नहीं थी तो जॉब लगी है, बिजनेस नहीं था तो बिजनेस बना है, बिजनेस नहीं चल रहा था उसमें ग्रोथ आई है, जॉब में इसको प्रमोशन मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जब आप इससे कनेक्ट हुए हैं, इसको अपने एक लक में फॉर्च्यून देखा है। ठीक है, ओके, इंसान आपको काफ़ी लकी देखता है। ठीक है, इसको आपको ऐसा लगता है आपका एक लक फैक्टर है जो आपके साथ चलता है। ठीक है, जिसकी लाइफ में भी आके वर्क कर रहा है, आप काफ़ी लकी पर्सन हैं, आप खुद भी एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, अगर स्टेबल नहीं है तो भाई स्टेबल लगते हैं, इसके थॉट्स में आप स्टेबल और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये वर्ड है, ये अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एनर्जी को लेकर परेशान है, इसके लिए फाइनेंशियल मैटर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। ठीक है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर ग्रो करना, एक अच्छे फाइनेंसेस पे काम करना, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इसका फोकस अपने काम और कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी इसको एक होता ना डिस्टर्ब जो सिचुएशन जो उसको सबसे ज़्यादा करती है, एक अच्छे फाइनेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा फील होता है। एक अच्छा कैरियर और फाइनेंस सेटल हो जाए तो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ हो सकता है। आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं उस इंसान का लक राइज किया है आपके आने के बाद। ठीक है, ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, डिस्टर्ब रहता था, या आप दोनों ने ऐसा हो सकता है, आप मतलब कि आपने इसकी परेशानी देखी हो। ठीक है, आपने इसको स्ट्रेस में देखा हो, एक फाइनेंशियल इश्यूज या एक मनी फ्लो की वजह से डिस्टर्ब और स्ट्रेस देखा हो आपने इसके अंदर। ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। ये इंसान क्या चीज़ सोचता है, इसको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आप में लाइक करता है, क्या चीज़ पसंद है इसको मेरे व्यूअर में। भाई ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, मटीरियलिस्टिक हो सकता है, मैं मटीरियलिस्टिक वो नहीं कह रही, एक लक इसका जो है ना, जैसे कि इसको सपोर्टिव नहीं है काम कैरियर के लिए, इसको काफ़ी ज़्यादा एक अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस फील हुए हैं। ठीक है, अच्छी, देखते हैं क्या सोचता है आपके बारे में, क्या चीज़ पसंद करता है। आपने इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, आपने इसकी लाइफ में एक स्ट्रेस
रिलीज़ करा है, ये आपके आने के बाद इसके एक स्ट्रेस रिलीज़ हुआ है, इसका एक टाइम चेंज हुआ है, इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, इसके जो रुके काम थे वो बने हैं, मतलब कि इसने अपने सेल्फ में अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, ठीक है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखना, मैं पहले से इंसान से मिलने से पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका हूँ, इसका इसका सपोर्ट, इसका होना, इसका मेरी लाइफ में रहना कितना सपोर्टिव रहता है, ठीक है। होता है ना, आप कोई इंसान आता है हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, और कोई इंसान एंटर करता है हमारी लाइफ में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड होने लग जाता है, इसकी न्यू जॉब लगी है, न्यू कैरियर आपके आने से बना है, ठीक है। इसका एक तो एक कैरियर कोई इसका ऐसा हो सकता है, चाइल्डहुड थोड़ा सा एक इसका मतलब के डिस्टर्ब रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, एक फाइनेंशियली ये इतना अपनी लाइफ में अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर सका है, फिर यंग टाइम आया उसमें स्ट्रगल देखी, ठीक है, एजुकेशन को हासिल करने के लिए एक स्ट्रगल रही, फिर जॉब की टाइम आया तो जॉब को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहना, अपने माइंड के मुताबिक या अपने अपने एजुकेशन या अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब ना मिलना या इनफ अर्निंग या इनफ सैलरी ना होना, कुछ इस टाइप के इसने इश्यूज़ देखे अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके आने से पहले। लेकिन आपके आने के बाद, आपके कनेक्ट होने के बाद, इसने अपने फाइनेंशियल फ्लो, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जॉब होना, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम कैरियर होना, वो चीज़ इसने बहुत ज़्यादा देखी, अपनी लाइफ को इसने ग्रो करता हुआ देखा और स्टेबल इनकम देखी, एटलीस्ट जो उसने मतलब कि एक सेटिस्फाइंग जॉब, एक सेटिस्फाइंग सैलरी देखी, बिजनेस को, बिजनेस है तो बिजनेस में सेटिस्फेक्शन देखी, तो वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा फील हुई है कि आपके आने से एक मनी फ्लो इसका बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। आप एक लकी हैं, आप अपने लिए भी लकी, आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसके लिए भी आप काफ़ी लकी रहते हैं, ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है आप में, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, ओके। फाइनेंशियली भाई आपको बहुत पसंद करता है, फाइनेंसेस के हिसाब से आप इसके लिए काफ़ी लकी और पॉजिटिव पर्सनैलिटी साबित हुए, इसकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हुआ, एक स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट जिसमें ये अपनी लाइफ में कुछ सोच सके, पुरानी चीज़ें हील हुई हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें इसकी इसने अपनी लाइफ में हील होती हुई देखी, थोड़ी एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है, मूडी है, डिफेंसिव है, या तो मतलब कंट्रोलिंग है, अपनी तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है, हीलिंग हुई है इसके पास्ट वूंड की, हीलिंग हुई है पास्ट, अब वो पास्ट वूंड का एक चाइल्डहुड रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके पास्ट वूंड इसके कोई अपने रिलेशनशिप या अपनी लाइफ को लेकर जो पास्ट में इसको मतलब के बैक स्टेपिंग मिली, अगर ज़्यादातर बैक स्टेपिंग मिली तो इसी वजह से मिली, इसके पास एक इनफ अर्निंग नहीं थी या जॉब नहीं था या अच्छा कैरियर नहीं था, लोगों ने इसको इसीलिए छोड़ा सबसे ज़्यादा कि इसके पास एक अच्छा कैरियर नहीं है, एक अच्छा इसका इसके पास लाइफ स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ फील होती है, हीलिंग वाली एनर्जी है, बहुत हील हुआ है ये, ठीक है, हील पीस, एक मेंटली तौर पर सपोर्ट सेटिस्फेक्शन होना, ठीक है, इसको वो मिली है, ओके। आपके पर्सन को आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ पसंद है भाई, सबसे पहले तो चीज़ आप काफ़ी लकी रहे हैं इसके लिए, आपने पास वूंड आके हील करे हैं, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है जिसको सेटिस्फाई कर सकती थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, एक इसकी रेपुटेशन में इजाफा हुआ, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने एक जिसको मतलब कि इसको जो एडमायर करा, जिसमें आपने एक होता नहीं है कि आपने इसको एक चेयर अप करा है कि तुम कर सकती हो या कर सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो, ठीक है, आपने इसको इतना मतलब कितनी रिस्पेक्ट दी है या इतना लव, इतना केयर, इसकी इम्पॉर्टेंस आपने इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, अपने लोगों में प्रायोरिटाइज करा आपने इस इंसान को, वो चीज़ इसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती गई है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उसकी वजह से इसको ये सब अचीव करने में आसानी हुई, और आपका एक कनेक्ट होना आपका एक लक फैक्टर, ये आपको बहुत ज़्यादा स्वीट जेंटल पर्सनैलिटी की तरह दिखता है, काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस है, काफ़ी ज़्यादा एक जेंडरोसिटी है आपके अंदर, ठीक है, एक ग्रेस है आपके अंदर, वो चीज़ उसको पसंद आती है, ओके। आपकी पर्सनैलिटी में और क्या लाइक करता है ये इंसान, आपकी पर्सनैलिटी में इसको सबसे ज़्यादा और क्या पसंद है, थोड़ा सा आपसे एज डिफरेंस हो सकता है, इसको आप बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लगे, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया डिफरेंट है, लोगों को अप्रोच करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, ठीक है, आप किसी को जज नहीं करते किसी के पास से या किसी के पास क्या है क्या नहीं है, आपका एक जजमेंटल माइंडसेट नहीं है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी में और क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में और क्या लाइक करता है ये इंसान, थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उसको सोचें, वो इंसान आपको लेकर और क्या पसंद करता है, ओके।
आप एक यहाँ पर थोड़े से होल्ड बैक करने वाले इंसान हैं, इस इंसान को ये चीज़ पसंद है। आप सीक्रेट्स बहुत अच्छे से हाइड करते हैं इसके, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आया है, अगर आपने कुछ इसकी लाइफ में ट्रबल सम सिचुएशंस देखी हैं, आप एक होल्ड बैक करना मतलब कि आप एक बहुत सीक्रेट्स बहुत अच्छे से हाइड करते हैं इसके, ठीक है। अगर कुछ है तो आप काफ़ी ज़्यादा एक मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहते हैं या आप मतलब कि मैनिफेस्टर हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप जो प्रेयर करते हैं वो कम ट्रू होती है, वो आपकी सुनी जाती है। जैसे कि उसको ऐसा लगता है आप काफ़ी एक गोल्डन चाइल्ड है, ठीक है, जैसे कि जो डिवाइन को पसंद है बच्चा, जो डिवाइन को पसंद है इंसान, उस तरीके का इंसान है आप। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी अवेकनिंग वाली सोल हैं, आप अवेकन हैं, आप लोगों को उस तरीके से जज नहीं करते जैसे कि दुनिया आजकल कोई फीमेल ढूंढती है तो एक अच्छा मतलब कि एक फ़ीमेल की ख्वाहिश होती है, एक अच्छा कारोबार हो या एक अच्छा स्टेटस हो सोसाइटी में, और एक अच्छी अर्निंग हो, पैकेज अच्छा हो अर्निंग का, और एक जॉब हो, घर हो, मतलब कि आजकल की डिज़ायर फीमेल्स किसी तरीके की अपने हस्बैंड या अपने मेल से कि इसी तरीके की लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल ढूंढती है। लेकिन आपने एक इंसान को जो है वो वैसा एक्सेप्ट करा है, इस इंसान को ये चीज़ पता है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच रिलेशनशिप नहीं रहा, रिलेशनशिप बन नहीं सका क्योंकि आपके पर्सन का माइंड सेट शायद आपको समझ में आ गया हो, ये पहले ही आपको क्लियर कर चुका हो कि फाइनेंसिस अच्छे नहीं है तो फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने पास्ट में भी अपनी लाइफ में रिश्ते इसी वजह से खोए हैं, या एक इंसल्टिंग या बैक स्टैपिंग इसी वजह से देखी है, क्योंकि एक अच्छा फ्यूचर नहीं है इसके पास देने के लिए किसी को, क्योंकि फाइनेंसिस अच्छे नहीं है। तो आपने इसको एक्सेप्ट करा है, ज़ीरो से एक्सेप्ट करा है। आप कोई ऐसे मेल या ऐसी फीमेल हैं कि आपने सपोर्ट बने हैं, ठीक है, ठीके? आपने उस टाइम से साथ दिया है जिस टाइम से इंसान को ज़रूरत थी, आपने अभी आके साथ देना स्टार्ट नहीं करा। आप काफ़ी अवेकन सोल हैं, इसकी नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा एक अवेकन इंसान है, आपकी एज कुछ भी हो आप काफ़ी मैच्योर हैं, बैलेंस हैं, ठीक है, और एक अवेकनिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, आपके पास अवेकनिंग है, ठीक है, आपके पास गाइडेंस है, ओके। टीम वर्क करने वाली पर्सनालिटी, ये चीज़ इसको पसंद है, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है, और टीम वर्क करने वाली पर्सनालिटी है, और काफ़ी आप पोजेसिव हैं, आपके अंदर ये चीज़ इसको पसंद आती है, पोजेसिव है इसको लेकर, पोजेसिव एनर्जी रहती है, आप नहीं इसको देना चाहते किसी को, ये चीज़ इसको पसंद आती है, कुछ ही आपको दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आपके अंदर पोजेसिवनेस है, ठीक है। आपकी नज़र में इस इंसान की अहमियत, इसके पास क्या है क्या नहीं उसकी अहमियत नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस इंसान को आपकी पोजेसिवनेस इसके लिए बहुत ज़्यादा ही लाइक करता है उसको, चाहे ये खुलकर कहता नहीं है या बताता नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ पसंद करता है, और आपको काफ़ी लकी देखता है अपनी लाइफ में जिस चीज़ पे मेहनत करते हैं, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप एक अवेकनिंग पर्सन है, आपको पता है आपको राइट जगह कहाँ एफर्ट डालनी है, और आपको पता है राइट टाइम पे मिलेगा, आप कोई यूनिवर्स से वार नहीं करते कि मिला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, फेलियर में भी पॉजिटिव रहते हैं इंसान, आपकी अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव है लाइफ को लेकर, ठीक है, वो चीज़ इसको बहुत पसंद आती है, ठीक है। और आप टीम वर्क करने पे यकीन रखते हैं, ठीक है, आप ये नहीं है, अगर आप कोई फीमेल है तो एक आपका मेल ही कमा के लाए, आप खुद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को इसके साथ बैलेंस और स्टेबल करने की, और आप एक रिलेशनशिप भी आप टीम वर्क करके बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि मिलजुल कर, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी है और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। ये इंसान आपकी लगन देखता है काफ़ी, मतलब कि आप उस तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होके और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके ज़िम्मेदारी उठा के काम करना पसंद करते हैं आप, ठीक है। आप इस रिश्ते पे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, आपको एट दी एंड ये नहीं पता, क्योंकि कोई प्रॉमिसेस नहीं आप दोनों के बीच, आपको फ्यूचर देगा ही देगा ही नहीं देगा, नहीं, लेकिन आपने उसके बावजूद वो हेल्प करी है, वो सपोर्ट सिस्टम बने हैं जो एक फीमेल या मेल बनता है अपने पार्टनर का, ठीक है। जैसे कि आपको ये पता है ये इंसान खजाना है, लेकिन इस खजाने में आपको क्या मिलने वाला, आपका हिस्सा क्या रहेगा, आपको मिलेगा क्या हिस्सा, विदाउट ये चीज़ सोचे आप इस कनेक्शन पे और इस इंसान पे एफर्ट करते हैं, अपनी तरफ से हर वो चीज़, हर पॉसिबल
हेल्प करते हैं जो आप कर सकें, अब वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशली हो और सपोर्टिव हो, कुछ भी हो, आप वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो काफ़ी स्टेबल है, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं आप, काफ़ी समझदार किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका विजडम काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, ठीक है, आप एक गाइडेड पर्सनैलिटी, किसी चीज़ के लिए भी किसी को गाइड कर सकते हैं, आप लोग एक सोल ग्रुप मेम्बर हो सकते हैं, काफ़ी आप दोनों की वाइब मैच होती है, ठीक है, एक वाइब्रेशन मैच है आप दोनों का, आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल जोन बना देते हैं, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल रहते हैं, इंसान को आपके साथ एक कंफर्टेबल फील होता है, आपकी पोजेसिवनेस, आपका आपके साथ जो कंफर्ट लेवल, एक होमली वाइब फील होती है, कुछ भी कह दो, कुछ भी मांग लो, कोई आपके अंदर ये नहीं है तेरा मेरा नहीं है, आप वो चीज़ ये लाइक करता है, ठीक है, एक स्पाउस में, एक पर्सन में, एक इंसान ये चीज़ देखता है, आप फॉर श्योर आप लव करते हैं इस इंसान को, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं, ठीक है, आपको आप किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं देना चाहते, किसी भी तरीके का इसको पुश नहीं देना चाहते, आप इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं इस पूरे सिचुएशन में, ये आपको कुछ दे ना दे आप फिर भी खुश हैं, आप एक अनकंडीशनल फ्लो में हैं, अनकंडीशनली लव है, लव करना, अनकंडीशनली सपोर्ट करना, वो वाली एनर्जी आप, ओके, अच्छी रोमांटिकली इस इंसान को आपने क्या चीज़ पसंद आती है, ये चीज़ भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, आप एक अच्छी सोल है, ठीक है, एक ब्राइट सोल है, जो इनलाइटमेंट वाली सोल है, और आप दोनों एक सोल ग्रुप मेंबर के हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोगों का कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, ओके, इस इंसान को रोमांटिकली आप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है, ये इंसान रोमांटिकली आप में क्या पसंद करता है, आप काफ़ी पोजेसिव हैं इसको लेकर, ठीक है, मैनिपुलेटिवली आप ये चीज़ हाइड करते हैं कि आप इसको लेकर पोजेसिव हैं, आप थोड़ा सा घुमा फिरा के डिप्लोमेसी रख कर ये बात कहते हैं कि आप इसको, आप इसके लिए पोजेसिव हैं, आपके अंदर एक पोजेसिवनेस है इस इंसान को लेकर, ठीक है, ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील करता है भाई, ठीक है, इसके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये आपको एक्सप्लोर करना चाहता है आपकी साथ फीलिंग्स को, ठीक है, यू डिज़र्व लव, इस इंसान को ये चीज़ पता है, आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है, डिजर्विंग है, यू आर लवेबल, ठीक है, ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, भाई आप लोगों का मैंने कहा ना कोई सोल कनेक्शन है, आप लोग इस सिचुएशन से पहले से एक दूसरे को समझते और जानते आ रहे हैं, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, भाई आप लोग के बीच एक लव रोमांस नहीं है तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर रोमांस फील करता है, ऑनेस्टली डिस्कशन एंड फीलिंग्स, ठीक है, न्यू लव आप लोग के बीच कुछ एक लव रिलेशनशिप सा, फीलिंग्स सा कुछ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, कुछ हुआ है, या अभी आप लोग ये लव को लेकर सेपरेशन हो सकता है, आप लोग लव तो करते हैं लेकिन कभी भी इस तरफ आते नहीं, एक डिस्कनेक्ट सा फील करते हैं, क्योंकि आपको वेडिंग चाहिए और आपको ऐसा लगता है ये इंसान वेडिंग, मुझे ऐसा लगता है रिकनसाइलेशन है आप दोनों के बीच, एक वेडिंग है, ठीक है, इसी इंसान के साथ जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए, इस इंसान के साथ आपका एक न्यू स्टार्ट होगा, रिकनसाइलेशन होगा और एक वेडिंग होगी, एक वेडिंग आप लोग के बीच यहाँ पर होने वाली है, या वेडिंग को लेकर ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।